वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम डूइंग गुड टू। सो सुबह सुबह मॉर्निंग की शुरुआत हुई है राधा दीदी के साथ। गुड मॉर्निंग। और पूरी दिवाली वाइब आ रही है। हाँ 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 भाभी, अरे यार हमारे यहाँ आए हैं जादूगर गोगा। चलिए चलिए चिड़िया निकाल के दिखाइए। अरे नॉट बैड, अगर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, बट इन लोगों की वाट लग जाएगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, यू कैन रीवेयर इट। सही में अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर लगा। Why he does not prefer to wear it? भाई आप लोग मोटा हो जाते तो दिखते क्यों नहीं? मैं तो जरा सा होती हूँ तो फैली हुई दिखती हूँ। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं आपका वो पूरा करवाती हूँ, टैम्पलेट बंटवाती हूँ कि जादूगर गोगा आए दे बस। सुनो सुनो, इसको बाहर ही रखना, दोपहर में वो भी निकालेंगे और एक राउंड कर। देखो इसको कहते हैं व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। बहुत सही यार, कल मुझे सजेस्ट कर रही थी भाभी, आज मुझे डेमो में दिखा कर गई कि क्यों मुझे पहनना चाहिए अगले 5 साल तक अब उमंग की शेरवानी। जैसे मैंने डिसाइड किया था ना शादी से पहले ही डिसाइड किया था, जब वी वर इन कोर्टशिप पीरियड, तो तब मैंने बोला था कि जो भी मेरे शादी का लहंगा होगा आई एम गोइंग टू वेयर इट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आफ्टर द मैरिज ऑन एवरी करवा चौथ। तो अभी अगले साल वो 5 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो भाभी अभी मुझे सजेस्ट कर रही हैं कि इसके बाद तुम उमंग की शेरवानी 5 साल तक पहनो। तो गुड आइडिया, अगर सक्सेसफुल हो जाता है, हालांकि बहुत बेहुदा लगेगा। उमंग आज फुल फ्लेज्ड फिर से शेफ बने हुए हैं और उमंग अगेन बनाने वाले हैं अपना फेवरेट डिश जो कि है लिट्टी चोखा। यस मामा, नहीं नहीं अच्छा भाभी को दे दूँ। ठीक 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 ले जाऊंगी। तो उमंग बना रहे हैं लिट्टी चोखा विद द हेल्प ऑफ बॉबी भैया। तो मैं जाती हूँ ऊपर। नो 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 नो, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स। नो 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 नो, यू विल हैव टू बी हियर। आई हैव टू शूट द वीडियो, आई हैव टू गिव दैट वीडियो टू दैट पर्सन। एंड ऊपर ही बनाओ क्या? क्या ऊपर बनाओ? ये वॉशिंग मशीन के पास बना लेता। क्या चीज? आई फेल टू फाइंड योर फोटो। आई मम्मी मुझे ट्रोल कर रही हैं गाइस, आप लोग भी मत देखो इसको। सो गाइस हम सब रेडी थे बट हम कहीं निकल नहीं पाए। दिस इज माय ब्रेजन फेस आप लोगों के समक्ष। चार बज गए और मैं अबला नारी हूँ कि सासू माँ ने खा लिया, लेखानी ने खा लिया। नहीं नहीं मम्मी अभी तुरंत चल रहे, तुरंत चल रहे। वो ये कैसा बनाया आपके देवर ने? मैंने बनाया आज सच में, मैंने सबका काट दिया। मम्मी को देखो फुल रेडी होके बैठी है। हमें बाहर जाना था, फिर मेरा एक काम आ गया, मैं वो करने लग गई, हम नहीं निकल पाए। अब निकलेंगे शायद, सर की मम्मी डैडी हो चुकी है। पता नहीं ऐसी सिचुएशन में पापा कैसे आगे आ जाते हैं। वो है भी नहीं लेकिन एक टॉन्ट आ गया पापा के लिए। आपको आदत है मुझको ऐसी चीज़ें। ये मेरे पति ने जी तोड़ मेहनत करके बनाया है चोखा लिट्टी एज अ लंच। और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ, मैं बिल्कुल भी लिट्टी चोखा नहीं खाती हूँ, बट 2 बार से अच्छे से खा रही हूँ क्योंकि मेरे पति बहुत मेहनत करके बनाते हैं। एक मिनट लगेगा, सब कह दिया तो रुक जाओ। हाँ दो बनवा लें, आप देखता हूँ।
सो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं अराउंड 6 or 6:30. निकलने का हमारा प्लान था अराउंड 1 o'clock, बट कभी मेरे काम की वजह से रुक गया, भाभी के तो वजह से नहीं रुका. उन्होंने अपने टाइमिंग्स बता दिए थे. नहीं नहीं बोल दो, भाभी तैयार हो रही थी, बोल दो, बोल दो. तैयार होने में काफी टाइम लगा. No makeup. आज मैंने नहीं बोला तो इन्होंने खुद सच्चाई एक्सेप्ट की. वैसे एक्चुअली मैं बताती हूँ, शुक्ला फैमिली में हम जितने 3 औरतें हैं, हम एक दूसरे के भरोसे तैयार होते कि हे भगवान वो लेट हो जाए, हे भगवान वो लेट हो जाए. इस चक्कर में शुक्ला फैमिली के जो मर्द हैं, तीनों ही अपना सर पीटते रहते. तो कह रहा तुम लोग सैटरडे संडे शॉपिंग करोगे तो हम लोग पुणे घूम के आ जाते. ये लोग जेन्युइनली बोल रहे थे पुणे का, इसका मतलब क्रिकेट मैच देखना है. मुझे मुझे पता है क्या बोले, मुझे क्या बोले उमंग मालूम, कि पापा ने बोला है कि वो कहीं और गए हैं तो हम लोग को पुणे जाके वो वाला हैंडल करना है. Now I have redeemed myself as mocked by this lady. रेशो रखा है 2:1. 2:1? How come? अभी एक बार और मुझे लेना पड़ेगा. 4:2. अच्छा, इन दैट वे. तो 4 मैंने लिए हैं एंड 2 आपने लिए हैं. नाउ यू आर हैप्पी. हाँ, डिसाइड, यू डिसाइड द डेट, धनतेरस और छोटी दिवाली. अच्छा, कायना तुम्हें मिला ही देती है. We are sister from another world. पता है, एक सेकंड. अब आप उनका बिकने ही नहीं दोगे क्या? भाई साहब, बेसिकली आई एम अ सीक्रेट शॉपर, बट दिस शॉप डिजर्व टू बी नोन. और इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन होता है. ये हैप्पी कस्टमर टुक एन एग्जिट फ्रॉम पीजी कलेक्शन, हमारी फेवरेट शॉप. इट शुड बी कॉल्ड ओजी कलेक्शन. Exactly. मतलब उनके पास सूट के ऐसे कलेक्शन हैं, सीरियसली हम कितना भी डॉच करें, हम पूरे माइंडसेट के साथ कभी कभी जाते हैं कि हम नहीं लेंगे, तब भी हम 2 पिक कर लेते हैं. आज मैं माइंडसेट के साथ आई थी कि मैक्स टू मैक्स 2, बट 4 उठाए मैंने. अब तो हैप्पी हो जाओ यार. इनको हमेशा शिकायत होती है नहीं लेती, नहीं लेती. मैंने 11 उठाए थे. अरे यार, पता क्यों, पता है क्यों इन्होंने 11 उठाए थे? ये भाई 3 सालों में सूट वगैरह में इन्वेस्टमेंट ही नहीं की थी इन्होंने. ये रिपीट कर रहे थे, इस वजह से इन्होंने 11 उठाए थे. तो दैट वॉज लाइक वर्थ परचेज, है ना? देखो हंस रही है ये. और अभी मम्मी गई हुई है किसी शॉप पे शॉपिंग करने. कौड़ी, कौड़ी, माया जोड़ी और इनका मुहावरा चलने लग गया. एक प्ले किया था हम लोगों ने बचपन में, उसमें वो बोलता था. और आपको बताऊं, मैंने गरेड़िये वाला किया था. मैं गरेड़िये की मम्मी बनी थी. आज ही के दिन से तू भेड़ों को लेके जाएगा, शाम को भेड़े चरा कर ही तू वापस आएगा. फिर मेरे बच्चे को ना सच में शेर खा गया था उसमें. और मैं भूल गई हूँ मेरा बच्चा बना कौन था. What a bad mom. मैं वेट कर रहा है हमारा. कौन? और भेड़, हमारी शीप है, हमारी लियो. हाँ, हमारी शीप है वो. वो फ्रॉग है, वो छोटी वाली गाय है. क्या नाम होता है वो छोटी वाली गाय? पंगानूर गाय. पंगानूर गाय है वो हमारी. आज वो जो वो है वो तो वो है. और वो कई बार उसको मैं बाबा पता है क्यों बोलती हूँ? मैं आज आप लोगों को जेन्युइन रीजन बताती हूँ. उसमें इंसानी दिमाग बहुत है, बहुत ज्यादा है. और उसका जो फेस है ना, वो मुझे किसी एडल्ट बाबा लोगों जैसा लगता है, कि बहुत सिंसियर और बहुत क्यूट बाबा लोग, फन फन वे में जो रहते हैं, जो बाबा लोग घर के, वो टाइप का फील देता है वो बच्चा हम लोगों को. तो वो मल्टीपल एनिमल है. ले नहीं लिया कुछ हमने, उसके लिए भी ड्रेस लेनी चाहिए हमको दिवाली. बाबा तुम लड़की होता तो उसको क्या क्या वो लेकर आए थे उसके लिए. सिर्फ वो लीश जो नहीं होती है प्रॉपर, एक ड्रेस टाइप की, उसको इरिटेट होता है. शूज तक लिए गए थे, उसको इरिटेट होता है. वो क्या है आज तक हम फिगर आउट कर रहे हैं, हालांकि अभी हम कंफ्यूज्ड हैं कि वो ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस. कह सकते हैं, मैं कह सकती. अब जैसे मार्क जकरबर्ग एक ही कलर की शर्ट पहनते हैं. कौन? मार्क जकरबर्ग सिर्फ
ग्रे कलर की शर्ट पहनता है, ऐसा था बीच में आप थोड़ा डिफरेंट कपड़े पहनते। नहीं, वो बहुत बेसिक कपड़े पहनता है, ये हाईलाइट हुआ था इसलिए किसी नहीं, सिर्फ ग्रे कलर की शर्ट थी उसकी, मिनिमलिस्टिक वे में रहता है बहुत। द रीजन इज कि उसका जो टाइम है उसमें ना जाए कि व्हाट डू आई नीड टू वेयर टुडे। ओ माय गॉडनेस, सेव टाइम एकदम। एक्सक्यूज मी, माय वर्क इज दिस, इफ आई वोंट सेल माय थिंग्स नाउ by wearing on myself nobody will purchase it and my work as well. Opposite applies to Shubhangi. इनके इनके लिए entertainment क्या है, सिर्फ मुझे troll करना। और irony देखो, मैं इनको ही चाहती हूँ कहीं बाहर कि ये मेरे साथ रहे, भगवान जाने, जबकि सारे jokes मेरे ऊपर होते हैं। हाँ, बाबा का प्यार चल रहा है टूवर्ड्स मम्मी एंड अस। हम लोग कहाँ दिशा, ए बेटा मम्मी पीट देगी तुझको, छमियाना छमियाना। पाचन दे दे देना बाबा, दे देना, तो इसे तो प्ले करने है हमको भी, तो ऐसे तो प्ले करने ना बाबा, ऐसे कैसे करते हो यार, ऐसे कैसे। हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, काफ़ी लेट हो चुकी है। भाभी एंड आई वर वॉचिंग बॉलीवुड वाइव्स अगेन और उसके चक्कर में बहुत लेट हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं फाइनली सोने। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज एज मच एज यू कैन, एंड दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो। टिल देन, गुड नाइट, बाय।